Yes, but you think it is? सेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग. सेट्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, सेट्स का मतलब एलिमेंट्स का कलेक्शन. कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स के ये क्या लिए हैं, वोवेल्स. ठीक है, आप चाहें तो इवन नंबर्स का भी एक सेट बना सकते हैं, 2, 4, 6. अब ये क्या है, इवन नंबर्स है, लेकिन कहां से कहां तक ये, 2 से 6 तक. ठीक है, आप तो 6 भी आप कर सकते हैं. ठीक, दूसरा आप कोई सेट और बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी सेट बना सकते हैं, ऑड नंबर का बना लीजिए, या आप चाहें तो प्राइम नंबर का सेट बना सकते हैं, है ना, अप टू 20. 20 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनका सेट बना लीजिए. क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर? 1 होता है प्राइम नंबर, 1 को प्राइम नंबर में नहीं लिया जाता है. ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 19. ये प्राइम नंबर है अप टू 20. ठीक है, तो ये एक तरीका होता है सेट को लिखने का. कर्ली ब्रैकेट आप लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे और उनके बीच में कॉमा लगाएंगे. ठीक है, ये एक कॉमन सा तरीका होता है सेट्स को लिखने का. सेट्स का मतलब सिंपल सी बात ये है कि एलिमेंट्स को हमने एक जगह पर लाके रखा हुआ है और उनके बीच में हमने कुछ कॉमा वगैरह लगा के सेपरेट कर दिया उसको. ठीक है, तो ये सेट लिखने का तरीका. अब सेट को रिप्रेजेंट करने का दो अलग अलग मेथड बनाई गई. सेट्स को लिखने के दो अलग अलग मेथड्स बनाए गए, जैसे कि फर्स्ट जो मेथड है वो है रोस्टर, या फिर हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है. सेट्स ये बेसिकली क्या है, टेबुलर फॉर्म ही है, या इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, कॉमा के साथ सेपरेट किए हुए. दूसरा जो फॉर्म होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है. इसका मतलब हमें इसको इस फॉर्म में हमें सेट इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि हमें उसको बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा. जैसे ए एक सेट मैंने बताया और एक इस ए में एलिमेंट लिखा हुआ है एक्स, जो इस प्रकार है. ये देखिए, जैसे मैंने ये लिख दिया. ठीक है, और आगे और बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब आपको यहाँ से खुद ही अपने आप ही सेट बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है सेट बिल्डर मैथ फॉर्म. तो यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स एक एलिमेंट है जो 0 से 10 के बीच है और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए. अब देखिए ये लिखा हुआ ही गलत है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर अगर x है तो वो कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो इसको लिखने का तरीके में आपको ये देखना होगा, यहाँ पर लेस देन का ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा 0, पर ये x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और x लेस देन कैसा है 10. ठीक है, तो नेचुरल नंबर में से आपको एलिमेंट्स लाने हैं और इनके बीच में होने चाहिए, इस तरह से आपको ये लिखना है. तो पहला एलिमेंट आप देखिए 1, फिर 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर है तो यहीं से लाए हैं हम. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट क्या होगा बताइए, 10. ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, टेबुलर फॉर्म आ गया, है ना, रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं, अभी टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं. हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म को देखा, उससे समझा कि एलिमेंट्स क्या बनेंगे, और एलिमेंट्स बनाए और यहाँ लिख दिया. ठीक है, ये दोनों फॉर्म यहाँ पर इस तरह से होते हैं. अब दूसरा जो है, इसके बाद हम बात करेंगे सेट्स में क्या टाइप होते हैं. जैसे आप देखिए एम्प्टी सेट, भाई सब लोग नीचे ले जाना, पढ़ाऊंगा इसमें. हाँ नहीं सर, नहीं जम रहा, कल पढ़ लिया था हमने ना, होता है कई बार मन ऐसा करता है, जाओ तो बता के जाना ताकि फिर मैं इसको सब बंद करके कैमरे के लिए रिकॉर्ड करने के लिए कर दूँ. चलिए, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. लिखने का तरीका क्या रहेगा, 5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा. ठीक है, फाइनाइट सेट, इसका मतलब फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें एलिमेंट्स इतने हैं, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं. ठीक है, फाइनाइट सेट समझ आया ना, फाइनाइट सेट में काउंट किया जा सकता है. ठीक है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं जैसे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट. लास्ट क्या है, इक्वल सेट. अब इक्वल सेट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3 जैसे मेरे पास है और दूसरा एक मेरे पास सेट है वो है ABC. अब ये दोनों सेट अगर इक्वल सेट हैं तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जबकि इनके ये एलिमेंट्स आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है.
ठीक है, तभी ये होंगे इक्वल, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग सबसेट की। अब सबसेट थोड़ा समझने का है, ध्यान से देखिए। जैसे कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, और इसमें से कोई एक सेट मैंने बनाया, जैसे बी बना लेते हैं 1 और 2। क्या किया है बी बनाने के लिए, क्या किया बी बनाने के लिए, ए में से आपने दो एलिमेंट्स लिए 1 और 2 और बी बना लिया। ठीक है, ए में से आपने क्या किया है 1 और 2 दो एलिमेंट्स लिए हैं और एक नया सेट बना लिया। तो ये बी में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कहां दिखाई दे रहे हैं आपको, ए में भी है। ठीक है, बी का अपना अपना अस्तित्व तभी बनता है जब वहां से एलिमेंट आप ए में से लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन किसका सबसेट हुआ, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या है सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल जो मैंने बनाया है इसको इस तरह से भी बनाया जाता है, लेकिन ये इक्वल टू का साइन लगा दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स भी रख ले तब ये साइन हम लोग लगाया करेंगे। ठीक है, तो वो समझेंगे। अभी क्या हुआ है कि बी का हर एक एलिमेंट कहां से लाए हैं आप, ए में से। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है स्मॉल ए, कहां से लाए हैं हम, बी में से उठा के लाए। देखो जैसे 1, तो 1 क्या है बी का एलिमेंट है, तो 1 को क्या होना चाहिए, ए का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर 1 ए का एलिमेंट है तभी हम कहेंगे कि 1 ए का एलिमेंट है और 1 बी का एलिमेंट है, तभी हम क्या कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ। और एक और बात है इंपॉर्टेंट कि इस बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस ए में नहीं है। सपोज कीजिए आपने बी नए सिरे से बना दिया कुछ इस तरह से 1 2 और 9। अब आप ये देखिए कि 1 और 2 तो यहां से लाए आप, लेकिन 9 जो है वो ए में नहीं है, तो फिर ये केस भी दिखाई देता है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ बी और 1 क्या है एलिमेंट ऑफ ए है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बी जो है सबसेट है ए का। लेकिन हर एक एलिमेंट बी का, हर एक एलिमेंट कहां से मिलना चाहिए आपको, ए में से मिलना चाहिए। अगर मिला तभी आप सबसेट कहेंगे, अदरवाइज को सबसेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हमें ये देखना है कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं। किसी भी सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बनेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये ध्यान रख दीजिए कि फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट रहता ही है। दूसरा, ये खुद सेट अपना खुद का सबसेट होता है। मतलब क्या हुआ, 1 2 3, ये दो बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको लिखनी ही है। अब आप पहले एक एक सिंगल एलिमेंट के लिए लिखिए 1, फिर 2 और क्या होगा नेक्स्ट 3। ठीक है, अब ये होगा। उसके बाद अब दो दो एलिमेंट 1 2 1 2 2 3 1 3 1 3। अब देखिए 2 3, अब कुछ बचाएगा और 1 के साथ 2 आ चुका है, 1 के साथ 3 आ चुका है। इनकी पोजीशन बदलने से कुछ नहीं होने वाला, वो एक ही रहेगा, सेम रहेगा। कितना होगा टोटल, गिन लीजिए अब 3 6 और 2 8, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होगा अगर हम इसको एक सेट बना दें, तो ये क्या कहलाता है, पावर सेट। ठीक है, सारे सबसेट को रखने वाला पावर सेट, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए कि इसमें जैसे आपने देखा कि कितने सबसेट बनेंगे, तो सबसेट कितने बनेंगे ये देखने के लिए अगर आपके पास ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एम है तो 2 to the power m सबसेट्स बनेंगे। जैसे अब यहां देख रहा हूं मैं कि एलिमेंट्स कितने हैं ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बताइए 3 है, तो इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं 2 to the power 3, मतलब कितने बनेंगे 8। आप देखिए 8 बने हैं टोटल। लिखने का तरीका, हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सेट है। देखिए आप सिंगल एलिमेंट लिखा रहेगा तो ये लिखने का तरीका, और अगर सेट लिखा रहेगा तो उसके अंदर ब्रैकेट लगा रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखा रहेगा, क्लियर है, ये पावर सेट कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद बीच में एक पॉइंट हम लोगों का यहाँ छूटा है, ये इंटरवल, इंटरवल कैसे लिखते हैं वो भी समझ लीजिए। इंटरवल वैसे आपको पहले ही बताएं, इंटरवल क्या होते हैं ध्यान से देखिए। जैसे कि एक कोई सेट मेरे पास है एक्स, ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन उनमें रिलेशन कैसा है कि ए स्मॉलर देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी।
अब x ऐसा लिखना है मुझे कि वो a और b के बीच में बना रहे, तो लिखने का तरीका क्या रहेगा इसे a को, या आप सीधे सीधी बात है डायरेक्टली ऐसे याद रखो a टू b, x क्या है एलिमेंट है इसका इस सेट का, अब ये क्या लिखा हुआ है a टू b, अब a में आप देखिए क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है, b में भी क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है, क्यों लगाया है क्योंकि यहां पर देखिए आप ध्यान दीजिए कंडीशन में क्या लिखा है कि x a के इक्वल हो सकता है, x b के इक्वल हो सकता है, इस वजह से क्लोज ब्रैकेट दोनों की साइड कर जाएगा, एक बार देखिए अभी समझ आ जाएगा। अब यहां क्या अंतर है दोनों में, ये इक्वल टू का साइन यहां नहीं आया है ना, तो इसमें कैसे लिखोगे आप, x इज एलिमेंट ऑफ a और b की तरफ आपको क्लोज करना पड़ेगा इसको, ठीक है समझ आया, ए आप यूज नहीं कर सकते और बी यूज किया जा सकता है, क्लियर है। अब तीसरा केस देखिए, जैसे एक्स ए को तो इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तब क्या होगा बताइए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट ए टू ओपन ब्रैकेट बी, ठीक है, फिर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इस तरह से लिखा हमने, ठीक है, ए से बी के बीच में रहेगा एक्स लेकिन ए और बी नहीं रहेगा, मतलब क्या होगा ओपन ब्रैकेट में लिखना होगा आपको ए बी, क्लियर, ये नोट कीजिए आप लोग। नोट किया तुमने, अब देखिए पावर सेट तो बता दिया आपको, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट किया करेंगे और इसको हम आर से भी लिख सकते हैं कि आर इसमें मतलब जो रियल नंबर्स हैं वो रखे हैं। यूनिवर्सल सेट कई बार क्वेश्चन में डिफाइन भी किया जाता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसके अंदर यूनिवर्सल सेट बता दिया जाए 1 to 10, ठीक है, अब ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें से वो ए और बी के बारे में बात किया करेंगे आपसे कि ए कुछ है जैसे 2, 4, 6 लिख दिया है ना, और बी कुछ और लिख दिया, और फिर वो कुछ कंडीशन आपसे बोल सकते हैं करने के लिए, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये आ रही है कि यूनिवर्सल सेट हर क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया हुआ मिल सकता है, ठीक है, ए कोई स्पेशल इसी में से मिलेगा, बी वो भी इसमें मिलेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होता है, आपके पास क्वेश्चन है उसमें मिल जाएगा आपको ये, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सारे एलिमेंट्स रखने वाला, ठीक है। अब हमें बात करनी है सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस क्या लगते हैं, यहाँ से थोड़ा खास सेट का समझ में आएगा, मेरी डायरी कॉपी में ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन का क्या मतलब है ध्यान दीजिए, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, 1, 2, 3 आपके पास एक सेट है और 3 आपके पास लिखा हुआ है 2, 4, 6 सेट, ठीक है, यूनियन
को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है यू एस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपको यूनियन लगाना है, तो ए और बी के बीच में आपको यू लिख देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, जो एलिमेंट दोनों में है उनको वन टाइम लिखना है और बाकी अलग अलग जो एलिमेंट है उनको भी लिखना है, ठीक है। ये वन इसमें नहीं है, यहाँ लिखना होगा टू, दोनों में है एक ही बार लिखेंगे आप। थ्री वन टाइम आया है, फोर सिक्स और एट, ठीक है। तो ये यूनियन कहलाता है दोनों सेट का, बड़ा आसान होता है। जो एलिमेंट होते हैं इस यूनियन में वो ए सेट के एलिमेंट हो सकते हैं और बी सेट के एलिमेंट हो सकते हैं, कोई भी आप एलिमेंट इसमें से ले लीजिए। जैसे आपने थ्री लिया तो थ्री या तो आपको ए में मिलेगा या फिर बी में मिलेगा, हाँ इट में पॉसिबल और दोनों में भी हो सकता है, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट्स में जो कॉमन है उनको लिखिए। जैसे स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, दोनों लाइन्स का कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अगर हम कहेंगे तो हमें यहाँ वो एलिमेंट्स लिखने हैं केवल जो दोनों में है। क्या है दोनों में यहाँ पर, टू, ये कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे डिफरेंस की, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है जैसे ए माइनस बी मैंने लिखा है, अब a माइनस बी का मतलब होता है a में से वो एलिमेंट्स माइनस करके लिखिए, मतलब हटा दीजिए जो b में लिखे हैं। लिखना आपको a, लिखना क्या है आपको पूरा a, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लिखना है जो b में आए हैं, ठीक है। b माइनस a अगर आप लिखना चाहते हैं तो b लिखना है आपको, लेकिन b में वो एलिमेंट्स नहीं लिखना है जो ए में यूज किए गए हैं, मतलब ए में भी हैं, मतलब इंटरसेक्शन में भी हैं, तो क्या होगा 4, 6 and 8, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है इसमें, जैसे देखिए एक यूनिवर्स में यहां पर डिफाइन करके भी दिखा देता हूं आपको, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ए आपके पास है 1, 2, 3, ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। और लिखने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, वो एलिमेंट्स लिखना है जो ए में नहीं, ए में यूज हुए हैं उनको नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ए में क्या क्या यूज हो गया है, 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 यहां से हटा दीजिए। अच्छा यहां देखिए ये है, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आ रहा है, तो क्या क्या एलिमेंट नहीं यूज करना है आपको, 1, 2, 3 को हटा दीजिए केवल, तो क्या बन जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये क्या रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ध्यान दीजिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको 5 मिलता है, और अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलता है, याद रखिएगा, नोट कीजिए इसको। Equal to greater than
चारों केस तो लिखे उसमें, जब जब इक्वल टू का साइन है तब क्लोज क्लोज ब्रैकेट आएगा, तब कान क्यों निकाल रहे हो, तो कान निकाल दो सुनेगा कैसे, वैसे तो सुनता नहीं हो सर। यहाँ पे आपने लिखवाया था a is smaller than b, अगर यहाँ पे a is greater than b होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नंबर्स है ये दोनों, टू और टू और फाइव ऐसे ले लिया हमने, तो कोई एक नंबर का दूसरे नंबर से छोटा होना जरूरी है, तो ये छोटे नंबर को हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, बड़े नंबर को राइट साइड पर, ठीक है। नोट किया आपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में, और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम देख लेते हैं साथ साथ। जैसे हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था यूनिवर्सल सेट 1 टू 10, ठीक है, बातचीत नहीं कीजिए आपस में, 1 टू 10 ये यूनिवर्सल सेट है, और इसमें से ए कोई सेट मैंने लिया है 1 टू 3, ठीक है, ए यूनियन ए डैश आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखें इसका ए डैश क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो वो बनेगा कितना बताइए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, दूसरा ए और ए डैश के बीच में अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, कोई भी इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर आपने देखा ए यूनियन बी आपके पास लिखा हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट पता किया, तो इंडिविजुअली आप क्या कीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखिए, ठीक है। दूसरा अगर आपके पास लिखा है जैसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आप कर देंगे किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया है और अगर अगेन उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट आपने कर दिया वही सेट है, नोट किया सबने। अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.5, 1.4 आपको कराना होगा क्या, देखिए जरा 1.4 में आपको यूनियन पता करना है, कर लेंगे यूनियन पता करना है, इंटरसेक्शन पता करना है, सबसेट बताना है कि कौन सी का सबसेट है, ये तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, आते हैं आप लोगों को क्वेश्चन 1.5 एक्सरसाइज 1.5 देखिए, यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया है, ए और बी बताया, सी भी बताया हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पे एडेज बीडेज सीडेज को मैंने सब समझाया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नहीं बताने की जरूरत है, देख लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा हो। वेन डायग्राम किस तरह से बनाते हैं ध्यान से देखिए, एक बॉक्स आपको बना देना है, यूनिवर्सल सेट का रहेगा ये, उसमें से आपने कोई सेट बना दिया जैसे ए, तो उसमें एलिमेंट लिख देंगे आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट सपोज कीजिए इस तरह से बताया गया है आपको 1 टू 10, ठीक है,
तो इसमें से कोई एलिमेंट कोई सेट रहेगा 1 2 3 4, तो ये लिखने का तरीका होता है इसका, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ऑपरेशंस की बात की थी, उनको कैसे समझेंगे इसमें, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखें यूनियन, यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया है, ए भी आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4, और बी यहां लिखा हुआ है 2 3 2 4 6 8, ठीक है। तो जो इनको यूनियन वाला जो हिस्सा है, अगर लिखना चाहता हूं मैं, शेडेड करना चाहता हूं, तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से, ये हिस्सा जो है ये यूनियन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 ये ए के एलिमेंट्स हैं, तो यहां लिखने होंगे आपको 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 यहां लिखे हुए हैं। अब ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, केवल 2 और 4, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। तो ये जो कॉमन वाला प्लेस जो यहां मैंने बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 2 और 4, तो उनको यहां नहीं लिखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं इसको, ये इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कॉमन है दोनों में, और यहाँ क्या आएंगे वो जो ए में है, ठीक है। और इस तरफ क्या एलिमेंट्स आएंगे, 6 और 8, ठीक है। तो ये जो है पूरा अगर आपने शेडेड कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, यूनियन, ठीक है। और ये जो कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं, ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन 2, 4 आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ए माइनस बी को आप शेडेड करें, क्या करना है, शेडेड ए माइनस बी को, मतलब ए के एलिमेंट्स लिखिए वो जो बी में नहीं आए हैं, मतलब बी में आए हैं उनको हटा दीजिए आप, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, 2 और 4 को ऐसे हटाना होगा, केवल आपको क्या लिखना होगा, 1 और 3, तो 1 और 3 तो यही आ रहे हैं, तो देखिए आप इसमें, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा शेडेड करना, ये क्या कहलाएगा, ए माइनस, और ये वाला हिस्सा केवल अगर हम इसको शेडेड करें तो ये मिलेगा बी माइनस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। वन पॉइंट फाइव एक्सरसाइज को देखिए जरा, इसमें लास्ट में दिया 5th क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम बनाने का ही है, कर पाएंगे इसको, ये जो एक्सरसाइज आपको दी है इसमें 1.6 एक्सरसाइज पे कुछ फार्मूला पे बेस्ड है एक्सरसाइज, ये आती है आपको एक्सरसाइज, कर सकते हैं इसे क्वेश्चंस, हां बताने की जरूरत तो नहीं है, ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, 5th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, वो देख लेते हैं फिर हम लोग।
आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है, क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन है ये निचले के साइज का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन आपको बताना है कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस कैसे करें? यहां से देखिए, हम ऐसा सपोज करते हैं, सबसेट के बारे में आपको बातें सारी क्लियर है, देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए जैसे आपके पास लिखा है x इज अ सबसेट ऑफ y, क्या मतलब है इसका? बड़ा सेट कौन है? y, मतलब x का हर एक एलिमेंट y में है। इसका अगर मैं कोई एलिमेंट ले आता हूं a जो कि x में है, ठीक है, और ये भी बता दिया मैंने क्या कि एक ये जो a है वो कहां है? y में भी है, तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, यहाँ से देखिए, एक एलिमेंट सपोज किया मैंने x जो कि इसमें है c माइनस b में। अब c माइनस b का मतलब क्या होता है? c के ही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, वो जो b में एलिमेंट्स हैं उनको हटा दिया था मैंने, c और b में कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे तो c में से वो एलिमेंट्स हटा दिए हैं जो b में भी थे। दैट मीन्स ये जो x है ये प्योरली c का ही एलिमेंट है, ये बात भी थी हमारी, जबकि हमने माइनस की बात की थी तो क्या लिखा था कि जो पहले लिखा जाता है इसके ही एलिमेंट्स लिखना है, केवल वो एलिमेंट्स नहीं लिखना है जो इसमें भी हैं, इसमें है उनको हटा दिया हमने, ठीक है, माइनस का ये देखा था हमने केस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज एन एलिमेंट ऑफ c एंड x जो है एलिमेंट नहीं है किसका, है ना, क्लियर हुआ भाई? आपने प्योर प्योर सी के एलिमेंट्स लिखे हैं जिसमें वो एलिमेंट्स लिखे जो बी में नहीं है, वो तो हटा देना, आपने जब सेट बनाया था तब इसमें से आपने वो सारे एलिमेंट्स हटा दिए जो बी में लिखे हैं, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये बी में तो नहीं है, तो बी में नहीं है तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये एलिमेंट बी में नहीं है, अब आप देखिए क्या बताया गया कि जब बी के पास एलिमेंट है ही नहीं तो उसके सबसेट में कहां से जाएगा? जो एलिमेंट बी के पास नहीं है वो उसके सबसेट के पास कैसे जा सकता है? सबसेट के पास तो होगा ही ना, क्योंकि हमेशा ध्यान देने वाली बात क्या है कि y के ही एलिमेंट से मैं क्या बनाता हूं? x उसका सबसेट। जब y के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो x के पास कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि x is element of c and x is not element of a। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि b तो बड़ा सेट है और उसका सबसेट कौन है? a। b के पास एलिमेंट है नहीं तो उसके सबसेट के पास कहां से होगा, ठीक है। इस वजह से क्या लिखेंगे यहां पर, x is element of c minus a, ठीक है, इसको 1 के लीजिए, इसको 2 के लीजिए, from 1 and 2 आप क्या लिख सकते हैं, c minus b is subset of c minus, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। थैंक यू, क्वेश्चन आप एक काम कीजिए, आज दिन में थोड़ा टाइम मिलेगा आपको तो शाम को और पूछ लीजिएगा इसमें से कुछ क्वेश्चन, अगर आपको लगता है वैसे तो सब बन जाएंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा जो नहीं बनते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाला देख रहे थे, क्या है इसके बाद एक और बचा है, ठीक है, तो उसको कर लेंगे छोटे छोटे।